Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये example कुछ इस प्रकार दिया है. For the following ALP, show its symbol table, literal table, base table along with machine code. तो program कुछ इस प्रकार दिया हुआ रहेगा. सबसे पहले आपको इसकी location counter value निकालनी है. सबसे पहले instruction दिया है वो है test start 0. सबसे पहले हम 0 से start करेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे 0 क्योंकि ये COP instruction है. उसके बाद है फिर BALR जो कि RR इंस्ट्रक्शन है, यानी मशीन कोड इंस्ट्रक्शन है. तो हम ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे. अब इसके बाद फिर हमें इसको 2 से इंक्रीमेंट करना है. और उसके बाद LTORG एनकाउंटर हुआ है जो कि COP इंस्ट्रक्शन है, तो इसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी. तो हम इंक्रीमेंट वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि है 2. पर जैसे कि LTORG एनकाउंटर हुआ है तो सबसे पहले हमें लिटर वैल्यू निकालनी पड़ेगी. पर जैसे इसके ऊपर हमें कोई लिटर वैल्यू नहीं है तो हम इसके आगे को सॉल्व करेंगे. उसके बाद फिर यूजिंग इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर हुआ है तो यहाँ पे भी लिटर वैल्यू नहीं रहेगी, लोकेशन काउंटर वैल्यू. उसके बाद यूजिंग एनकाउंटर हुआ है, उसके सामने भी लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी. तो हम टू हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद है फिर LR इंस्ट्रक्शन जो कि RR इंस्ट्रक्शन है. सो ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे. फिर उसको हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि RR इंस्ट्रक्शन 2 से इंक्रीमेंट होता है. सो 2+2 ये हो जाएगा 4. उसके बाद है फिर L इंस्ट्रक्शन जो कि RX इंस्ट्रक्शन है, ये फिर होगा 4 से इंक्रीमेंट. सो 4+4 8. यहाँ पे यूजिंग इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर हुआ है तो यहाँ पे लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हमने 8 यहाँ पे लिखा है. उसके बाद फिर हम ये 8 यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद है फिर BR इंस्ट्रक्शन जो कि है RR इंस्ट्रक्शन. सो ये 2 से इंक्रीमेंट होगा. सो हम 10 यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे DC एनकाउंटर हुआ है जैसे कि, तो हमें यहाँ पे अलाइनमेंट करना पड़ेगा. सो हमें चेक करना है कि यहाँ पे F है तो मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं है. तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है. सो नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो है 12. उसके बाद फिर F दिया तो हमें 4 से इंक्रीमेंट करना है. तो 12+4 ये हो जाएगा 16. फिर से DC एनकाउंटर हुआ है, F दिया है, मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना है तो है हम यहाँ पे लिखेंगे 16. उसके बाद दिया है H यानी मल्टीपल ऑफ 2 है ये, तो ये आपको चेक करना है मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं है. तो पहले सबसे पहले हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे 16+4 ये हो जाएगा 20. और फिर चेक करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं है, तो है हम यहाँ पे लिखेंगे 20. उसके बाद फिर हमें इसको 2 से इंक्रीमेंट करना है तो ये हो जाएगा 22. फिर से DS इंस्ट्रक्शन इनकाउंटर हुआ है तो सामने F दिया है तो मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना है. तो ये मल्टीपल 4 नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आएगी 24. उसके बाद है फिर EQU जो कि है COP इंस्ट्रक्शंस. तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके सामने लोकेशन काउंटर की. सबसे पहले हमें इसको इंक्रीमेंट करना है 4 से. सो 24 4+4 ये हो जाएगा 28. सो यहाँ पे भी हम 20 टाके लिखेंगे क्योंकि EQU इंस्ट्रक्शन है. उसके बाद है फिर BALR जो कि RR इंस्ट्रक्शन है तो हम 28 यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद फिर हमें इसको 2 से इंक्रीमेंट करना है. पर नेक्स्ट जो है वो यूजिंग इंस्ट्रक्शन इनकाउंटर हुआ है तो लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी. सो 28+2 ये हो जाएगा 30 हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद फिर LA जो कि RS इंस्ट्रक्शन है. सो 30 हमें यहाँ पे लिखना है. और इसके बाद हमें इसको 4 से इंक्रीमेंट करना है जो कि हो जाएगा 34. फिर से है BR इंस्ट्रक्शन, RR इंस्ट्रक्शन, 2 से इंक्रीमेंट होगा. सो 34+2 ये हो जाएगा 36. क्योंकि यहाँ पे DC एनकाउंटर हुआ है फिर से तो हमें अलाइनमेंट करना है. तो सामने जो वैल्यू दी है वो है H यानी मल्टीपल ऑफ 2 हमें चेक करना पड़ेगा. सो मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं है, तो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36. उसके बाद फिर ड्रॉप COP इंस्ट्रक्शन, तो इसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहेगी तो इसको हमें 2 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. इसके बाद तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36+2 38. उसके बाद फिर RX इंस्ट्रक्शन जो कि है L. सो 38 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको फिर हमें 4 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 42. उसके बाद है फिर A, ये भी RS इंस्ट्रक्शन है. सो 48+4 ये हो जाएगा 46. उसके बाद है फिर ST जो कि RS इंस्ट्रक्शन है. सो 46+4 ये हो जाएगा 50. और उसके बाद LTORG एनकाउंटर हुआ है तो सबसे पहले हमें लिटल की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे है 2 लिटल्स दिए हुए हैं. मैंने एक रफली लिटल टेबल बना दिया है तो हमें इसकी लिटल वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पे दिया है 50. सो इसके बाद हमें इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. पर यहाँ पे सबसे पहले जो लीटर रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए. तो इसके बाद की नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 56. और यहाँ पे दिया है ए, ए यानी इसको हमें 4 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा.
सो ये हो जाएगा 60, 56 प्लस 4 60, फिर दिया है ए, फिर से वो फोर से इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा 64, और उसके बाद दिया है एफ, तो एफ भी हो जाएगा फोर से इंक्रीमेंट तो ये हो जाएगा 68। इसके बाद हम बनाएंगे सिंबल टेबल, तो टेबल में आपको सिंबल वैल्यू आर स्लैश ए लिखना है, और उसके बाद ये जो सारे सिंबल्स दिए हैं हमें टेबल में लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो टेस्ट है, फिर है डाटा टू, फिर डाटा वन, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, और वैल्यू में जो है उसकी हमें लोकेशन काउंटर वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले जो दिया है वो है टेस्ट, तो टेस्ट की लोकेशन काउंटर वैल्यू जो है वो है जीरो, तो यहाँ पे जीरो है, सामने कुछ नहीं है ना, जीरो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो। उसके बाद है फिर डाटा टू, सो डाटा टू की लोकेशन काउंटर वैल्यू जो दी है वो है 12, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद है फिर डाटा वन, उसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू है 16, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। उसके बाद है फिर डबल ए, इसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू जो दी है वो है 20। उसके बाद है फिर बी बी, इसकी भी लोकेशन काउंटर वैल्यू जो दी है वो है 24। उसके बाद है फिर सी सी, तो सी सी के सामने जो दी इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, सीडोप इंस्ट्रक्शन है ई क्यू यू, तो इसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू नहीं रहती है, तो हमें उसके सामने की वैल्यू लिखनी है जो कि है 1, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद है फिर डी डी, सामने ई क्यू इंस्ट्रक्शन है सीडोपी, तो हमें उसके सामने की वैल्यू लिखनी है जो कि है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और ये क्या है, आर है रिलेटिव, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, बी बी भी आर है, और सी सी और डी डी जो है ये आपको ए लिखना है, यानी एब्सोल्यूट है ये। इसके बाद हम बनाएंगे लिटिल टेबल, सो लिटिल टेबल में हमें ये वाली वैल्यूज जो निकली थी हमें वही लिखना है, तो इक्वल टू ए ब्रैकेट बी बी में हमें सबसे पहले वैल्यू जो मिली थी वो है 56, तो हमें लिखेंगे 56। उसके बाद है फिर ए डाटा वन, तो हमें आप लिखेंगे 60। उसके बाद है फिर एफ 40, इसकी वैल्यू थी 64, तो हमें आप लिखेंगे 64, और सारे क्या है ये आर है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे बेस टेबल, सो जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे तीन यूजिंग मिलेंगी आपको, सो हमें ये तीन ही यूजिंग बेस टेबल में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पहला यूजिंग देखना है, यूजिंग एस्ट्रिक कॉमा 15 दिया है, सो 15 हमें रजिस्टर नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हमें लिख दिया रजिस्टर नंबर 15, और सामने दिया है एस्ट्रिक, यानी इसका मतलब है कि लोकेशन काउंटर वैल्यू लिखनी है आपको, तो इसकी लोकेशन काउंटर वैल्यू जो है वो है 2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद है फिर यूजिंग एस्ट्रिक 10, सो 10 जो है वो रजिस्टर नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर नंबर 10, और उसके बाद दिया है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का जो लोकेशन काउंटर वैल्यू जो दी है वो है 8, सो इसकी कंटेंट वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 8। उसके बाद दिया है यूजिंग एस्ट्रिक प्लस सी सी कॉमा ए ए, ये केस में आपको रजिस्टर नंबर दिया नहीं है तो आपको ढूंढना है, तो हमें ए ए की एच के सामने की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा एज अ रजिस्टर नंबर, सो ये जो वैल्यू है वो है 2, सो ये ए की जो रजिस्टर नंबर रहेगा वो रहेगा 2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। उसके बाद हमें फिर उसकी कंटेंट वैल्यू निकालनी है, सो कंटेंट वैल्यू जो रहेगी उसकी रहेगी वो जो कि यहाँ पे दिया है एस्ट्रिक प्लस सी सी, सो इसका मतलब है कि एस्ट्रिक है लोकेशन काउंटर की वैल्यू जो कि है 30, और फिर प्लस करके सी सी करना है, सी सी की जो वैल्यू है ई क्यू के सामने की वैल्यू लिखनी है जो कि है प्लस 1, सो 30 प्लस 1 ये हो जाएगा 31। मशीन कोड जनरेट करने के पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मल्टीपल यूजिंग अगर आते हैं मोर देन वन, तो हमेशा पर्टिकुलर यूजिंग एक पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए वैलिड रहता है, तो ये केस में सबसे पहले जो यूजिंग दिया है ये इतने इंस्ट्रक्शंस के लिए वैलिड रहेगा, यानी इतने के लिए आपको यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड यूजिंग जो है वो आपको इतने इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करना है, और उसके बाद थर्ड यूजिंग जो दिया है वो आपको इतने इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करना है, और इसमें से सारे के लिए ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है ऑफसेट निकालने के लिए आपको वहीं पे ही वो उसका यूजिंग का यूज़ करना है। इसके बाद फिर हमें मशीन कोड जनरेट करना है, उसे ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, तो सबसे पहले हमें रिलेटिव एड्रेस लिखना है जो कि लोकेशन काउंटर की वैल्यूज़ है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 0, फिर उसके बाद है 2, फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24, फिर है 28, फिर है 30, 34, 36, 38, 42, 46, उसके बाद फिर आपको ये लीटर की वैल्यूज भी लिखनी है जो कि है 56, 60 और फिर 64। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लोकेशन काउंटर जीरो के लिए जो है वो है BLR, तो हमें वैसे के वैसे लिखना है BLR
15.0, 15, उसके बाद दिया है LR, उसके सामने दिया है 5.15, उसके बाद दिया है L, तो हम L यहाँ पे लिखेंगे वैसे की वैसी, उसके बाद दिया है 1, फिर दिया है डाटा 1, सो डाटा 1 की हमें पहले वैल्यू निकालनी है और हमें उसका फिर ऑफसेट निकालना है, सो डाटा 1 की लोकेशन काउंटर वैल्यू जो दी है वो है 16 और फिर हमें उसका ऑफसेट निकालना है, सो ऑफसेट के लिए आपको सबसे पहले सेकंड यूजिंग देखना है और इसकी आपको कंटेंट वैल्यू देखनी है, सो इसकी कंटेंट वैल्यू जो है वो है 2, सो ये होगा 16 - 2, ये हो जाएगा 14, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 14 और ब्रैकेट में उसके सामने कुछ नहीं है, तो इंडेक्स वैल्यू जो रहेगी वो है 0, रजिस्टर नंबर 15, उसके बाद है फिर BR, सो BR ऑलवेज चेंजेस टू BCR 15.14, उसके बाद है फिर लोकेशन काउंटर नंबर 12, सो हमें ये वैल्यूज के सामने की हमें वैल्यूज लिखनी है, जो कि सबसे पहले है 10, उसके बाद है फिर 22, फिर है 2 और लोकेशन काउंटर 24 के लिए इसके सामने कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डैश, उसके बाद है फिर BALR लोकेशन काउंटर नंबर 28, तो हम वैसे की वैसे लिखेंगे BALR 2.0, उसके बाद है फिर लोकेशन काउंटर नंबर 30, फिर यहाँ पे दिया है LA, फिर दिया है 7, फिर दिया है इक्वल टू A ब्रैकेट में BB, इसके बाद फिर हमें लिटिल टेबल से वैल्यू निकालनी है जो कि है 56, तो 56 माइनस कंटेंट वैल्यू निकालना है जो कि थर्ड यूजिंग आपको यूज़ करना पड़ेगा, सो थर्ड यूजिंग की कंटेंट वैल्यू जो है 31, सो 56 माइनस 31 ये हो जाएगा 25 और इसके सामने कुछ इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2, उसके बाद दिया है फिर BR, सो BR ऑलवेज चेंजेस टू BCR 15.6, ठीक है, 6 दिया है, उसके बाद है फिर 36 लोकेशन काउंटर नंबर, तो यहाँ पे दिया है H6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, उसके बाद दिया है फिर L, हम यहाँ पे लिखेंगे L, सामने दिया है 9, फिर इक्वल टू दिया है A डाटा 1, सो हमें इसकी वैल्यू निकाली है लिटल टेबल से जो कि है 60, सो 60 माइनस कंटेंट वैल्यू थर्ड यूजिंग का जो कि है माइनस 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 29, सो उसके सामने कुछ नहीं है इंडेक्स वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 रजिस्टर नंबर 2, उसके बाद है फिर A, हम यहाँ पे लिखेंगे A, फिर यहाँ पे दिया है बाद में 9, AA, तो AA के लिए आपको AA की लोकेशन काउंटर वैल्यू लिखनी है जो कि है 20, उसके बाद है फिर ST, फिर दिया है 9, इक्वल टू F40, तो F40 लिटिल टेबल में से वैल्यू जो है 64, सो 64 माइनस कंटेंट वैल्यू थर्ड यूजिंग की जो है 31, सो वो हो जाएगा 33, सो इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है 0 और रजिस्टर नंबर रहेगा 2, उसके बाद है फिर लोकेशन काउंटर नंबर 56, तो देखिए ये केस में आपको लिटिल टेबल की वैल्यूज लिखनी है, पर ये एक केस में क्या दिया है कि इक्वल टू A ब्रैकेट में BB दिया है, सो BB के लिए आपको BB की लोकेशन काउंटर वैल्यू निकालना है जो कि हो जाएगा A24, यानी इंस्ट्रक्शन रहेगा ये एज अ इक्वल टू A24, ओके, और आपको ये वैल्यू फिर यहाँ पे लिखनी है जो कि हो जाएगी 24, उसके बाद दिया है A डाटा 1, सो A डाटा 1 के लिए आपको डाटा 1 की लोकेशन काउंटर वैल्यू लिखनी है जो कि है 16, सो ये हो जाएगा इक्वल टू A16, सो आपको ये 16 जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ये हो जाएगा 16, उसके बाद है फिर F40, सो यहाँ पे ऑलरेडी 40 वैल्यू दी हुई है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40, सो फ्रेंड्स ये एग्जांपल ये ख़त्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.